ओके हेलो मेसी वेलकम बैक टू माय चैनल तो देखिए ना आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस तरह अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभी तक फिलहाल हम हमारे 21 लेक्चर्स क्लियर कर चुके हैं होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे अगर हम आज के लेक्चर में बात करें तो आज बनता है लेक्चर नंबर 22 जिसके अंदर अगेन हमने हमारे को, को आगे कॉन्टिन्यू करना है कैसे कॉन्टिन्यू करना है देखिए आज हम लोग बात करने वाले कोएनजे के बारे में जो हमने प्रीवियस लेक्चर पर पढ़ा था कि एक हेल्पर मोलिक्यूल होता है ये एक टाइप का एक्टिवेटर होता है इसके लिए आज हमने इसके स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन को पढ़ना है जो की बहुत आसान है स्टार्टिंग में ही बोल रही रहे ओके तो देखो क्या क्या चीजें अगर आपसे एग्जाम्पल

एड करके अपने को, को डिफाइन कर दोगे उसके बाद जाके पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन पे बात करेंगे ठीक है अब ये इंट्रोडक्शन के चार पॉइंट को एक बार जस्ट सुनेगा मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ है सॉरी देखिए यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये बोल रहा है एज वी नो दैट जैसे हमको पता है कि एंजाइम्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट देम इनटू अ सिंपल मॉलिक्यूल तो देखो हमको पता है एंजाइम का काम क्या होता है अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम का काम ये होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उन सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देता है ये तो हमको पहले से नोन है यही तो हमारा एंजाइम था हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं ना और क्या काम कर रहा है वो हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उनको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ दे रहे हैं और आगे लिखा हुआ है विच आर यूज बाय द बॉडी और एक्सट्रैक्टेड एज अ वेस्ट मटीरियल जो कि क्या है जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो या जो हमारी बॉडी के थ्रू यूज हो जाएंगे या फिर क्या है वेस्ट मटीरियल के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएंगे क्लियर हुआ अब देखो सेकंड में क्या बोल रखा है ये बोल रहा है अ कोफैक्टर देखो को फैक्टर को बताने की जरूरत तो नहीं है मैंने पहले के लेक्चर पे ही बोला था कि आपके जो ये ऑर्गेनिक को फैक्टर होते हैं इन्हीं ऑर्गेनिक को फैक्टर को आप अपना क्या बोलते हैं कोअल कोअ कोई नई चीज नहीं है ये आपके जो ऑर्गेनिक को फैक्टर होता है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कोअनजेम बोलते हैं तो अगर हम इन कोअैम के बारे में अगर हम जाने बिकॉज इन्हीं के तो स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन हमने पढ़ना है तो ये बोल रहा रहे कोअैम क्या होता है हमको पता है को अनजेम को हम हेल्पर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं एक्टिवेटर भी बोलते हैं

एंजाइम जाएगा पैट और जैसे ही को एंजाइम आपके एंजाइम के एक्टिव साइट में बैठेगा तो इनएक्टिव एंजाइम अब क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा बिकॉज एक्टिवेटर अब जाके जुड़ चुका है क्लियर हुआ ना अब ये जो एंजाइम जो पहले इनएक्टिव था जिसे हम बोलते थे एपो एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके हॉलो एंजाइम में तो एपो एंजाइम किसमें कन्वर्ट हो गया हॉलो एंजाइम में बिकॉज अब हमारा एंजाइम क्या हो गया एक्टिव बिकॉज

ये जो पूरा एंजाइम है होलो क्यों बोल हो रहे क्योंकि हम होल की बात कर रहे हैं होलो एंजाइम किससे बना होता है दो चीजों से पहला होता है एपो एंजाइम दूसरा होता है को ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो बनाएंगे आपका होलो एंजाइम ठीक है या फिर आप बोल सकते हो एक प्रोटीन पार्ट प्रोटीन पार्ट किसका होता है एंजाइम का एंजाइम कांजाइम ऑब्वियसली बात है प्रोटीन होते हैं और हमने लास्ट के लेक्चर पर पढ़ा था जो प्रोटीन के हेल्पर मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि जो को फैक्टर होते हैं को एंजैम होता है ये नॉन प्रोटीनस होते हैं यानी कि इनमें प्रोटीन नहीं होता इन दोनों को जोड़ के भी आप अपना क्या बना सकते हैं होलो एंजाइम बना सकते हैं या हो सकते हो इन और एक्टिवेटर को जोड़ के भी आप क्या बना सकते हैं अपना हॉलो एंजियन बना सकते हैं बस इसी चीज को इसमें इंट्रोडक्शन में किया हुआ है इतना तो कर लेंगे ना आप खुद से अब देखो ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा अब हम लोग क्या पढ़ते हैं अपने कुएंजैम देखो इससे आप अपने कोएंजैम को पूरा डिफाइन कर चुके हैं आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ठीक है अब आप अपने कोएजैम की बताएंगे बायोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ को एनजे यानी कि आपके जो कुएंजैम है आपके जो हेल्पर मोलिक्यूल है इनके बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है ठीक है अब यहाँ पे हमने दो केंजेम का एग्जाम्पल लिया है पहले है आपके विटामिन दूसरे हैं आपके मिनरल आपने कोएंजैम के एग्जाम्पल्स पढ़े हुए थे लास्ट के लेक्चर पे तो एक्जाम्पल में आपके विटामिन भी इंक्लूड होते हैं विटामिन भी

और जब तक बाइंडिंग नहीं होगी आपको पता है तब तक रिएक्शन आगे चलेगी नहीं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं मिनरल को वहां पर एड कर सकते हो मिनरल को एज अ को डाल सकते हो बिकॉज जैसे ही मिनरल वहां पर इंट्रोड्यूस होगा ये इनएक्टिव एंजाइम को क्या कर देगा एक्टिव कर देगा और जैसे आपका एक्टिव हो जाएगा एंजाइम ये आपके सब्सिट्रेट के साथ बाइंड कर देगा और जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड हो होगी रिएक्शन आगे चलने लग जाएगी तो हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि आपके जो मिनरल है ये क्या करते हैं आपकी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं बिकॉज जितनी जल्दी आप

अब हम लोग बायोलॉजिकल फंक्शन की बात आई अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन की ठीक है तो देखिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ को एंजाम काफी आसान है आपने इसके अंदर सिर्फ ये बताना है कि आपका जो को है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में तो अभी आपने पढ़ ही लिया अभी इसका स्ट्रक्चर वाइज कैसे फंक्शन करता है उसको आपने बताना है तो सुनिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है फर्स्टली ये बोल रहा है फॉरन एंजाइम टू कैटलाइज अ केमिकल रिएक्शन इट रिक्वायर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कॉल्ड को एनजेम तो हमको पता है कि अगर हमारा एंजाइम इनएक्टिव है तो उसके इनएक्टिविटी को बैन

ये बोल रहा है कि कोएंजाइम आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड इन द रिएक्शन चेन ठीक है तो देखो ये चीज मैंने आपको पहले के लेक्चर पे भी बताई थी कि होता क्या है आपका जो कोएंजाइम है ये जनरली करता क्या है एक्टिव साइट में क्या करता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है आइदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जिसकी वजह से क्या होगा आपका जो इलेक्ट्रो सॉरी एंजाइम और सब्सट्रेट जो इंटरमीडिएट बना है इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है और अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बढ़ जाता है कैटलिस की तरह यहाँ पर को काम करता है तो वही चीज बोला है कि आपका जो को इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या है ये कैसे अपने स्ट्रक्चर के थ्रू काम करता है ये क्या करता है एक्टिव साइड में जब ये बाइंड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है इधर डोनेट करेगा इधर एक्सेप्ट करेगा जिसकी वजह से क्या होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा सिंपल सी बात है अब आगे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अब ऊपर तीन एंजाइम के अर्थ को एंजाइम के एग्जांपल दिए हैं एफएडी एनएडी एन एडीएच एनएडीपी तो ये तीनों ही आपके क्या है एक टाइप के एंजाइम हैं जो कि रोल कहाँ प्ले करते हैं ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन ट्रांसफर में इनका रोल होता है ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जबकि को एंजाइम होते हैं तो बोले को एंजेम आर कॉमनली रेफर एज अ को सबस्ट्रेट हमने ये चीज पहले भी पढ़ी थी कि को एंजाम को हम को सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं क्यों बोल सकते हैं बिकॉज हमको पता है कि हमारा जो एंजाइम इनएक्टिव है ये देखो ये आपका एंजाइम है ये आपका इनएक्टिव है अब इस इनएक्टिव एंजाइम के साथ डायरेक्टली सबस्ट्रेट की तो बाइंडिंग नहीं हो सकती सब्सट्रेट से पहले हम एक दूसरा कंपाउंड दूसरा मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं जिसे हम क्या बोल सकते हैं को सबस्ट्रेट बोल सकते हैं सबस्ट्रेट से पहले जुड़ रहा है जिस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं को सबस्ट्रेट बोलते हैं और उसी चीज को इसने बोला है ये बोला आपका जो को है इसे जनरली हम को सबस्ट्रेट भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं बिकॉज दे बाइंड टू अंजाइम अलॉन्ग साइड द सबस्ट्रेट एट द स्टार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन अल्टर द एंजाइम एट द एंड तो वही चीज है कि हमारी स्टार्टिंग में ही आपका क्या है एंजाइम से पहले आपके क्या है को जुड़ जाते हैं जिस वजह से हम उसे क्या बोलते सॉरी ट से पहले आपके क्या है कोएंजैम जुड़ जाते हैं जिस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं को सबस्ट्रेट बोलते हैं ओके okay? अब दो तीन पॉइंट और लिखे हुए हैं इन्हें भी सुन लीजिएगा तो ये लिखा हुआ है आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है, बोल रहा है है बाइंड टू अ एंजाइम बिफोर द कॉल्ड आपका जो कुएंजैम है वो सबस्ट्रेट से पहले आपके एंजाइम के साथ बाइंड करता है इस वजह से हम इसे कोएंजैम और को सब्सरेट बोलते हैं ओके okay? अब दो पॉइंट है सिंपली इनको सुनिएगा तो ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं ये बोल रहा है इन एडिशन आर ट्रांसफॉर्मड अगेन इनटू देयर ओरिजिनल

कोफैक्टर होते हैं आपके जो कोएंजाइम होते होते हैं वो क्या होते हैं एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन मिनरल हमने नीचे एक्साम्पल पढ़े आपके जो कोफैक्टर है कोएंजाइम है वो एक टाइप के विटामिन है एक टाइप के मिनरल्स है इनको अगर आप क्लास में डालोगे तो ये एक टाइप के क्या होता है होते ही तो होते हैं और आगे बोल रहे ब्रेक डाउन ऑफ एंजैम इन वॉज द विटामिन एंड विटामिनरल को फैक्टर एज अ रिजल्ट मेंटेनिंग द एडिक्वेट ऑफ ऑफ अ ट्रेस एलिमेंट इन क्रिटिकल फॉर्म एनर्जी प्रोडक्शन ठीक है तो तो बस इतनी सी चीज आपने यहाँ पर को ऐड करनी है ज्यादा कुछ नहीं